नमस्कार दोस्तों, आज हम सम्राट अशोक नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने सम्राट अशोक के साम्राज्य और उसके प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो को देखने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम कलिंग युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद अशोक का धम्म अर्थात अशोक के धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही अशोक के प्रांत और उनकी राजधानियों को देखेंगे और प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित था। नंदवंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार तथा दक्षिण के साथ संपर्क करने के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह लिखा गया कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। बच्चों, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर युद्ध था। इसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि इस युद्ध में लगभग 1,00,000 लोग मारे गए, कई लाख घायल हो गए और साथ ही 1,50,000 लोग बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। युद्ध में भाग लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा ग्रस्त स्त्रियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट अशोक ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। हालांकि अशोक इस युद्ध को जीतकर कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय दया और करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने अपने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह विश्व में एक अद्भुत घटना थी। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साथ ही अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया। चलिए दोस्तों, अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनकी राज विस्तार की नीति नहीं अपितु धम्म है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है, अर्थात धम्म का अर्थ है धर्म। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ अभिलेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है। उसमें लिखा गया है, धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। और आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रमिकों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार। गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अशोक ने धम्म की प्रकृति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है। उनके अनुसार चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। इनके धम्म में अर्थात अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड का कोई उल्लेख नहीं था। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था।
उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे जिनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में शांति और सौहार्द से रहें। उसने यह महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है, इसलिए उसने जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया जो अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। अशोक का पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान का स्थान दिया। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। इसलिए उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अधिकारियों को भयरहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया था। इस तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया था। चलिए दोस्तों, अशोक के कुछ प्रांत और उनकी राजधानियों को देखते हैं। पहला प्रांत था उत्तरापत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जयिनी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और प्रासी, प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने कई सारे संदेश दिए जिन्हें हम इस प्रकार देखते हैं। उन्होंने कहा, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। उनका कहना था कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की, उसके बाद अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन किया, प्रांत और राजधानियों को देखा, साथ ही प्रजा के लिए अशोक के कुछ संदेशों को भी जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।